सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के शूट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गैलरी के फोटोज़ को एक क्लिक में जीमेल पे सेव कर सकते हो। गाइज, इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। अगर आप अपने फोटोज़ को जीमेल पे सेव कर दोगे तो दोस्तों आपके जो फोटोज़ हैं वो लाइफ टाइम तक के लिए सेव हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन है वो चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है, और गाइज जब आप किसी नए फ़ोन में अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करोगे तो दोस्तों आप सिर्फ एक क्लिक में अपने सभी फोटोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका एक भी फोटो लॉस नहीं होगा, ठीक है। गाइस, कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप अपने फोटोज को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपको अपने फोटोज को जीमेल पे सेव करना है। और गाइस, इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फोन के गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहां से उन फोटोज को सेलेक्ट करना है जिसको आप जीमेल पे सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ फोटोज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का। काफी सारे लोगों के फोन में यहां पे शेयर का ऑप्शन होगा, आपको गाइस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पे जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और आपका जो जीमेल ऐप है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो जितने भी फोटोज हमने सेलेक्ट किए थे सभी फोटोज यहां पे अटैच हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे फ्रॉम और टू का ऑप्शन मिलेगा। जो जीमेल आईडी यहां पे फ्रॉम में है सेम यही जीमेल आईडी आपको यहां पे टू में भी डाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हमने सेम जीमेल आईडी टू में डाल दी है। अब आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको कुछ भी डाल देना है, ठीक है। आप यहां पे अपना नाम डाल सकते हो, माई फोटो डाल सकते हो, माई पिक्चर्स डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो चीज यहां पे डाल सकते हो। गाइज, इसका फायदा ये है कि आप इस नाम से मेल को सर्च कर पाओगे और गाइज बहुत ही इजी तरीके से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम डाल देते हैं माई फोटो। तो दोस्तों यहां पे हमने माई फोटो डाल दिया है, अब आपको इसको सेंड कर देना है। अब गाइज आपके जीमेल पे एक मेल रिसीव हो जाएगा। तो यहां पे जीमेल पे मेल आ चुका है, अब हम जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो माई फोटो के नाम से हमें एक मेल आया है, हम इस पे क्लिक करते हैं और आप यहां पे देख सकते हो हमारे जो फोटोज हैं वो अटैच हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटोज हैं ये लाइफ टाइम तक के लिए सेव हो चुके हैं, ठीक है। गाइज अगर आपका फोन खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा और जब आप नए फोन में अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करोगे तो दोस्तों आपको ये फोटोज मिल जाएंगे, आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट का, आपको इस पे टिक कर देना है, ठीक है। अब यहां पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहां पे स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो माई फोटो का मेल है यहां पे सेव हो चुका है। इस तरह गाइस आप इसको यहां पे सेव कर सकते हो और इसको आप बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हो। आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना होगा और आपके सारे फोटोज आपको यहां पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारे जो फोटोज हैं शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब आप चाहो इसको डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना होगा और ये जो फोटोज हैं ये डाउनलोड होके आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे, डाउनलोड के फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो डाउनलोड हो चुका है। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से जीमेल पे अपने फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं ये जो फोटो है ये डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। इसके बाद गाइस यहां पे हम डाउनलोड फोल्डर को ओपन करते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हो पहले नंबर पे हमारा फोटो शो हो रहा है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं, आप यहां पे देख सकते हो सेम वही फोटो है जो हमने डाउनलोड किया, ठीक है। इस तरह गाइस आप एक क्लिक में अपने सारे फोटोज को जीमेल पे सेव कर सकते हो और लाइफ टाइम तक के लिए ये सुरक्षित हो जाएगा। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन रिलेटेड नए ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।